उसके बाद इसमें आधा चम्मच शहद का मिलाना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वैसे चावल का आटा बेस्ट रहेगा इसके लिए। दो चीजें होगी, तीसरी चीज हमने इसमें मिलाना है कुछ जैसे कि एवरीडे का पैकेट भी मिल जाता है, बड़ी पैकिंग भी मिल जाती है, आपको आधा चम्मच चाहिए। उसके बाद जो हमने इसमें नेक्स्ट इंग्रीडियंट मिलाना है वो है दूध। आप पानी भी मिला सकते हैं और गुलाब का अर्क भी मिला सकते हैं, लेकिन दूध मिलाएं तो बेस्ट है। उसके बाद हमें आधे नींबू का रस चाहिए। ये हो गई सारी चीजें पूरी। अब हमने क्या करना है, इन तमाम को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अच्छी तरह से मिक्स करिए, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी नजर आ रही है कितना ही ठीक आपको रखना है। अब आपको इसे अप्लाई कर लेना है अपनी गर्दन पे, चेहरे पे, हाथों पे, पांव पे, जिसम के किसी हिस्से पे जहाँ आप पूरी तौर पे रिजल्ट देखना चाहते हैं, वही इस पेस्ट को अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। इसकी एक थिक लेयर आपने अपने जेल के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दी। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छी तरह से आपने इसके अप्लाई करना है। ये मिक्सचर आप अपने बच्चों की गर्दन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी तरह से अप्लाई हो गया, इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद ये ड्राई पूरी तरह से नहीं हुआ क्योंकि सर्दी है, लेकिन आप इसको वॉश कर लेंगे। लेकिन वॉश करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो पहली दफा चैनल पे आए हैं, जिन्होंने पहली मेरी वीडियो देखी है, वो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी और बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैंने फाइनली अपने हैंड को वॉश कर लिया, जो रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है। इतनी सर्दी में मेरे हाथ जो है वो 20 मिनट मैंने से अपने हाथ पे अप्लाई करे रखा था। इसको आप हफ्ते में 4 बार भी दोहरा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार दोहराने से बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। आप 2 बार दोहरा सकते हैं अगर आपकी गर्दन ज्यादा गंदी है, आपके बच्चों की गर्दन ज्यादा मैली है। बच्चों की भी बेफिक्र होकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हर उम्र के लड़के, लड़कियां, बच्चे, बच्चियां सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रिजल्ट देखिए आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करेंगे और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ लाजमी करिएगा। अगर आप सब अपने 2-2, 4-4 दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो डेफिनेटली सबको ये वीडियो मिल जाएगी और वो इस नुस्खे पे अमल करके फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी बातों के बाद और आप दोस्तों से जो शुरू में रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज सर की दादी माँ के लिए जरूर दुआ कीजिए, ताकि अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे और वो खैर खैरियत से तंदुरुस्त होकर अपने घर वापस आ जाए। उसके बाद वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे